आइए मित्रों, आज हम और लेकर के आए हैं आपके सामने एक और वनौषधि। ये आंध्र प्रदेश का एक प्रांत है। हम इसी छोटे से गांव के एक जंगल में आए हुए हैं। हम आए थे एक ऐसे वृक्ष की खोज में। यहाँ के निवासी ने हमें बताया था कि यहाँ ऐसा वृक्ष होता है जिसको छूने मात्र से व्यक्ति पर शामक प्रभाव पड़ता है। अगर उसकी कोई छोटी टहनी लेकर के भी हाथ में हम रख लेते हैं तो जिनका रक्तचाप बढ़ावा होता है उनका रक्तचाप समन हो जाता है और मस्तिष्क को शांति प्रदान होती है। इस वृक्ष की खोज में हम यहाँ आए थे तो हमें यहाँ कुछ पौधे दिखाई दिए जिनको हमने पहचाना। ये जो पौधा है इसको आयुर्वेद में कटसरैया या पियाबासा आदि नामों से जाना जाता है। ये जो कटसरैया है ये सफ़ेद पुष्प वाला है। एक पीले फूल वाला कटसरैया होता है, ये सफ़ेद पुष्प वाला है और इसका जो उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है वो कफ के रोगों में विशेषतः किया जाता है। इसकी पत्तियों को तोड़ करके और थोड़ा आग पे भून करके या तवे आदि पर रख करके इसको भून लेते हैं और उसका पाउडर करके शहद से चटाने से जो कफ के रोग हैं, खांसी हो जाती है या गले में कफ जमा हुआ हो, फेफड़ों में कफ जमा हुआ हो, पिघल करके बाहर आ जाता है और खांसी की रामबाण होती है। वैसे तो जितनी भी श्वसन संस्थान के रोगों की औषधियाँ हैं उनमें सब में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक मुख्यतः इसका एक प्रयोग है वो है संतानहीनता के लिए। जिन दंपतियों को संतान नहीं होती और अनेक औषधियाँ खाकर के थक गई हैं और रिपोर्ट भी उनकी नॉर्मल आती है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रयोग है कि इस ऐसे पौधों को उखाड़ करके जड़ सहित इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसको काट करके इसके पूरे पंचांग को काट करके रख लेते हैं और 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हुए 10 से 20 ग्राम को एक 400 ग्राम पानी में इसको उबाल करके रख लेते हैं। जब 100 ग्राम पानी हो शेष बचता है तब उसको सुबह शाम दोनों दंपत्ति मिलकर के अगर पिए तो 3 महीने के बाद में उनको अधिकतर संतान प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत ही दिव्य औषधि है और इसका विशिष्ट प्रयोग जो मैंने आपको बताया है इन रोगों में होता है और जिन दंपतियों को संतान संबंधी समस्याएं हैं, संतान नहीं है, उनको एक बार इनका अवश्य प्रयोग करना चाहिए। नमस्कार।